नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। फिल्म अभिनेता सलमान खान को 13 साल बाद हिट एंड रन मामले में हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यद्यपि सलमान खान की रिहाई के बाद में न्यायपालिका का सोशल मीडिया पर काफी मजाक उड़ाया जा रहा है, क्या उचित है? देखिए, ये एक बहुत ही पेचीदा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मसला है। न्यायपालिका को हमने सभी तंत्रों से मजबूत और सबसे ऊपर इसलिए माना है कि हम ये मानते हैं कि अगर विधायिका भी कुछ गलत करेगी, कार्यपालिका कुछ गलत करेगी, आम जनता कुछ गलत करेगी, तो उसके लिए डंडा चलाने के लिए भारत के संविधान का कानून का पालन करवाने के लिए न्यायपालिका है। और न्याय की जो देवी है उसकी आंख पर पट्टी बंधी है और वो अमीर गरीब छोटे बड़े गोरे काले हीरो या सामान्य व्यक्ति के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। उसके हाथ में जो तराजू है वो बराबरी से तोल कर ये निर्णय देता है कि किसने गलत किया और किसने सही किया। अगर हमें लगे कि तराजू का वो पलड़ा हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी अगर हमें ये लगे, अगर हमें इस बात का जरा सा भी शक हो कि उस न्याय की देवी ने थोड़ी देर के लिए इसे आंख से पट्टी हटा ली थी और ये देखा था कि न्याय किसके लिए हो रहा है, तो निश्चित तौर पर बहुत गंभीर स्थिति है, सवाल उठेंगे। मैं यहां पर ये नहीं कहना चाहता कि जो न्याय हुआ वो सही या गलत है। मैं बात यहां पर जन भावना की, पब्लिक परसेप्शन की करना चाहता हूं। जनता का ये मानना है कि जिस तरीके से ये केस चलाया गया, क्योंकि जनता के जहन में बहुत सारे सवाल भी हैं, आखिर ये परसेप्शन क्यों बना? देखिए, माना ये गया कि सलमान खान बहुत बड़े कलाकार हैं, जो भी हैं, लेकिन इन कलाकारों की जो दूसरी जीवन शैली है, जो वो देर रात की पार्टियां करते हैं, शराब पीते हैं और फिर रात को महंगी गाड़ियां, तो ऐसे केस पहली बार नहीं हुए हैं। आप देखिए कि नंदा परिवार का, राजन नंदा वाला एक जो केस हुआ था जिसमें BMW गाड़ी से कुचलने का मामला सामने आया था, तब भी इस तरह की चर्चाएं आई थी कि जो रसूखदार लोग हैं वो जब इस तरह की हरकत करते हैं तो किसी तरीके से बच निकलने के रास्ते ढूंढते हैं, और वो जब बच निकलते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों का न्याय में भरोसा कम होता है। उनको लगता है कि एक गरीब आदमी जब वही आपराधिक कृत्य करता है तो उसको सजा मिलती है, बराबर मिलती है, लेकिन अगर कोई रसूखदार आदमी, लेकिन यहाँ पर न्याय की बात हो रही है तो न्याय रसूखदार के लिए और कमजोर के लिए हमेशा बराबर होना चाहिए। सोशल मीडिया पर या आम जनता के बीच या यहाँ तक कि अखबारों में और टेलीविजन चैनलों पर भी जिस तरह की बहस चली है इस मुद्दे को लेकर, अधिकांश जनता का मानना यह है कि अगर सेशन कोर्ट ने इतने तगड़े और गंभीर तरीके से उस अपराध के लिए सलमान खान को दोषी माना था, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि हाईकोर्ट को वो सारा का सारा गलत नजर आने लगा? उनको लगा कि प्रोसिक्यूशन ही ठीक से नहीं हुआ, उनको ये लगा कि मुद्दों को और गवाहों को ठीक से सुना और देखा नहीं गया। इससे इस बात के भी तार जुड़े हैं कि जब सेशन कोर्ट ने सलमान खान को जेल भेजने का फैसला लिया था तो अचानक 2 घंटे के भीतर सलमान खान को बंबई के हाईकोर्ट से जमानत भी मिल गई थी। तो लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि ये सारे रसूखदार लोगों का खेल है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये अदालत की जिम्मेदारी है, न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि लोगों को इस बात का यकीन दिलाए कि जो न्याय हुआ है वो सही है। क्योंकि महत्वपूर्ण केवल न्याय का होना नहीं है, न्याय का होता हुआ दिखाई देना भी बहुत जरूरी है। लेकिन यदि ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब निचली अदालत के फैसले को उच्च अदालत ने बदला हो, ये भी बहुत अहम बात है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनमें ऐसा हुआ है कि निचली अदालत ने फांसी की सजा सुना दी और ऊपर की अदालत ने उसको खारिज कर दिया। अब सवाल यह है कि वो सारे जो मामले हैं वो किसी सलमान खान से, किसी आदित्य पंचोली से, किसी सूरज पंचोली से नहीं जुड़े हुए हैं, वो सारे मामले किसी सामान्य व्यक्ति से, सामान्य किस्म के अपराधी से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो न केवल इस मामले में बल्कि काले हिरण के शिकार के मामले में भी, राजस्थान की कोर्ट में मामले में वैसे भी उसको पेशी चल रही है, लगातार मामला अदालत में विचाराधीन है। अब आप देखिए कि ऐसे ही एक और जो मामला हुआ था हथियार रखने वाला, उसमें संजय दत्त को बराबर सजा मिली, बराबर उनको जेल जाना पड़ा और जेल से वो जब भी छूटे पेरोल पे ही छूट पाए। तो लोगों का ये भी मानना है कि अगर संजय दत्त ने गलत काम किया और उनको सजा मिली, तो ऐसे ही अगर सलमान खान ने भी अगर गलत काम किया तो उनको सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पर केवल निचली अदालत के फैसले को ऊंची अदालत वाला पलट देने वाला मामला नहीं है, मामला ये भी है कि अगर मामला सलमान खान से जुड़ा हुआ होगा तो उससे जुड़े हुए हर पक्ष को, हर पहलू को बारीकी से देखा जाएगा। जनता के बीच में सारी चर्चाएं हैं, उसकी सारी पैरवी, सारी बहस केवल अदालत में नहीं हो रही है। ये बात सही है कि फैसला भी जनता की अदालत में नहीं हो सकता, फैसला न्याय की अदालत में कानून के तरीके से ही होगा, कानून सम्मत तरीके से उसकी विवेचना होगी। लेकिन चूंकि मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा में है तो अन्य फैसलों के विपरीत यहाँ पर उसकी चर्चा बहुत अलग है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प भी खुला हुआ है, ऐसे में न्यायपालिका का मजाक क्यों? हाँ, ये भी एक अहम सवाल है और ये जनता को समझाया जाना जरूरी है कि मामला यहाँ कर खत्म नहीं होगा। सलमान खान हमेशा हमेशा के लिए बरी नहीं हो गए हैं, सलमान खान को ताउम्र के लिए इस मुद्दे से निजात नहीं मिल गई है। अभी सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला लिया जाना बाकी है कि सलमान खान
इस कुचलकर मार देने के आरोप से बरी किए जा सकते हैं या नहीं। एक बड़ा सवाल जो है कि नूरुल्ला आखिर जिनकी उस दिन मौत हुई है वहां पर फुटपाथ पर सोते वक्त वो गाड़ी से कुचलकर मारे गए हैं ये तय है, उसके प्रमाण है। गाड़ी सलमान खान की थी उसके प्रमाण है। सवाल तो इस बात पर आकर टिका था कि सलमान खान उस गाड़ी को चला रहे थे या नहीं चला रहे थे, शराब पिए हुए थे या नहीं थे। मामला निचली कोर्ट में इतने लंबे समय तक चलने के बाद अचानक एक व्यक्ति अवतरित होता और वो कहता कि गाड़ी मैं चला रहा था, सवाल ये है। तो इन सवालों के जवाब हमको ढूंढने, और अगर हाईकोर्ट को उनके जवाब नहीं मिले हैं और जो जिस तरीके से सरकारी वकीलों ने इस मामले को चलाया है अगर उसमें कहीं कमी रह गई है तो निश्चित तौर पर उस कमी को ऊंची अदालत में सर्वोच्च न्यायालय में पूरा किया जा सकता है और फिर से कोशिश हो सकती है कि इस मामले की तह तक जाकर ये पता लगाया जाए कि क्या वाकई सलमान खान दोषी है या नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि इस मामले की चर्चा इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि ये फिल्म स्टार से जुड़ा मामला है? ये बात बिल्कुल सही है। यही किसी व्यक्ति सामान्य व्यक्ति ने कुचलकर किसी को मारा होता या नहीं मारा भी होता, जो भी है उसके ऊपर अगर मुकदमा चलता और उसकी जिस तरीके से अदालत में कार्रवाई चलती वो उस व्यक्ति तक और उससे जुड़े पक्षों तक सीमित रहती। लेकिन चूंकि ये सलमान खान जो कि वैसे भी एक बिगड़ेल नवाब की तरह भी जाने जाते रहे हैं, एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जब से ये दुर्घटना हुई है उसके बाद से सलमान खान ने अपने बीइंग ह्यूमन कार्यक्रम के जरिए अपना एक मानवीय पक्ष भी लगातार जनता के सामने रखने की कोशिश की है। अदालत में यहां तक पैरवी भी की गई है इस बात की कि सलमान खान ने, पर यह है ना कि अगर मैं किसी को कुचल के मार दूं और उसके बाद बहुत सारे दान के और मानवीय सरोकार के काम कर दूं तो उससे मेरा गुनाह कम नहीं हो जाता, क्योंकि अदालत में कानून की किताब में ऐसी कोई व्याख्या नहीं है, ऐसी कोई परिभाषा नहीं है कि अगर आप किसी को मार दें और उसके बाद बहुत सारे दान पुण्य के, ऐसे तो अगर हो जाए, इस तरह का कानून बन जाए तो दुनिया बहुत अराजक हो जाएगी। कोई भी किसी को मार देगा और फिर कहेगा कि मैं जिंदगी भर दान पुण्य करूंगा, तो उनका पक्ष अपनी जगह, उनकी सोच अपनी जगह है और जनता मान रही कि उन्होंने किया, यह भी एक बहुत गलत स्थिति है समाज की। समाज को यह लग रहा है कि इसने ये किया है और ये फिर भी बच गया है, तो अब ये सलमान खान की भी जिम्मेदारी है, उनके परिवार की, सलीम खान साहब का बहुत इज्जत है उनकी, इंदौर से उनका बहुत लगाव है, सलमान खान का खुद का जन्म इंदौर का है, पूरे देश में उनको जो हीरो के रूप में प्यार मिला है वो भी इस देश ने उनको खूब दिया है। लेकिन उसी देश में लोगों के बीच अगर ये नाराजी है तो उस नाराजगी को दूर करने की सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अदालत से ज्यादा तो खुद सलमान खान की है। मेरा ये मानना है कि अगर सलमान खान वाकई दोषी नहीं है, अगर वो उस रात को दारू पीकर गाड़ी नहीं चला रहे थे, तो जनता को भी कन्विंस कराना उनके लिए इतना, केवल कोर्ट को करना, यहां सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप जनता के हीरो हैं तो आपको जो है कितनी अदालतें छोड़ दें लेकिन जनता की अदालत से आप तब तक नहीं छूटेंगे जब तक जनता को आप कन्विंस नहीं करा देते। तो यहां सलमान खान जैसे फिल्मों में पर्दे पर हीरो के रूप में नजर आते हैं, आम जीवन में भी वो उतने ही बड़े हीरो बन जाएंगे अगर वो जनता को ये समझा पाए कि भाई मैंने गुनाह नहीं किया है, और अगर कहीं 1% भी ये गुंजाइश है कि ये गुनाह उनके हाथों से हो गया अनजाने में ही सही, तो अगर वो बड़प्पन दिखाकर, बड़ा मन दिखाकर इस सजा को स्वीकार करते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि हाँ उनसे गलती हुई, पहली बात तो यह कि अगर गुनाह उनसे हुआ था तो उसी दिन उसी रात को उनको अस्पताल ले जाना था, घायलों को, हो सकता है नूरुल्ला की जान बच जाती, हो सकता है हत्या का मुकदमा ही नहीं होता, हो सकता है उनका परिवार भी उनके खिलाफ इस तरीके का स्टैंड नहीं लेता। लेकिन अगर उसके बाद भी वो अभी भी चाहते हैं, अगर उनने सचमुच गुनाह नहीं किया है तो वो जनता को समझाएं कि उनने गुनाह नहीं किया है, और अगर उनने गुनाह किया है तो उसकी सजा वो सामने खड़े होकर स्वीकार करें, तो वो पर्दे के साथ साथ सचमुच की जिंदगी में भी हीरो नजर आएंगे। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो चाहे कितनी अदालतें उनको बाइज्जत बरी कर दें, उनकी इज्जत तब तक नहीं बनेगी जब तक जनता उन्हें माफ नहीं कर देती। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे सलमान पर अदालत के फैसले की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।